भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के जन्मदिन को लबरी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सभी काली पट्टी बांधकर कलेक्टर के माध्यम से तोहफा भेजा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला गया, जो भाजपा कार्यालय से निकलकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने मौन जुलूस निकालकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारों के साथ छल करने और गुमराह करने पर आक्रोश जताते हुए कलेक्टर के माध्यम से तोहफा भेजा। बता दें कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ने लबरी दिवस मनाया। इस मौके पर जीत हेमचंद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पर आज हम लोग कलेक्टर आए हैं, उनको ये जन्मदिन मना रहे हैं, लबारी दिवस के रूप में मना रहे हैं उनका जन्मदिन। हम लोग इसके उपलक्ष्य में हम लोग विश्रम का फूल लेके आए हैं उनको देने के लिए, कलेक्टर के माध्यम से उनको दिया जाए। इन लोगों ने जब सरकार में आने से पहले युवाओं से मांग घोषणा पत्र में डाले थे कि 2500 रुपया देंगे, आज तक किसी युवाओं को 1 रुपया नहीं मिला है और नियम इतना सारा डाल दिए हैं कि सभी युवा इस घोषणा पत्र 2500 रुपये से वंचित रह गए हैं। जब घोषणा पत्र में जब उस समय बनाया था उस समय तो नियम नहीं डाले थे, और जब सरकार बनी तो इतना नियम कानून बन गया है उसमें कि किसी युवा उस नियम में नहीं आ रहे हैं। इसके विरोध में आज उनके जन्मदिन में हम लोग लबरा दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसके लिए हम ज्ञापन सौंपने विश्रम के फूल देने आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।